हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट फिटनेस में। दोस्तों, हम आज आपको 10 बॉडी बिल्डिंग टिप्स बताएंगे जिससे आप जल्द से जल्द अपनी बॉडी मस्कुलर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप एक मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं? आपने मॉडल्स को देखा होगा जिनके सिक्स पैक एब्स होते हैं, चेस्ट का साइज काफ़ी बड़ा होता है, बाइसेप्स भी काफ़ी मस्कुलर होते हैं। अगर आप उन्हीं एक्टर और मॉडल की तरह बॉडी बनाना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे जिनका यूज़ आपको ऐसी 10 टिप्स बताएंगे जिनका यूज़ करके आप अपने घर बैठे बॉडी बना सकते हैं और जिम में। आजकल कौन नहीं चाहता कि उसका बाइसेप 14 इंच से ज़्यादा हो, अच्छा चेस्ट और उधे हुए शोल्डर हो। तो बताना चाहूँगा, एक मस्कुलर बॉडी को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करके पसीना बहाएंगे उतनी अच्छी आपकी बॉडी में क्लियरिटी आएगी। बॉडी बनाने के लिए आपको किसी चमत्कार का इंतज़ार नहीं करना है, आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आपको वर्कआउट यानी जिम करने की सही टेक्निक नहीं पता चल जाए तो आप कुछ ही महीनों में अच्छी बॉडी बना सकते हैं। और इसके लिए हम आपको 10 टिप्स बताने जा रहे हैं। अगर आपके शरीर पर मोटापा है, आप उस मोटापे से छुटकारा पाकर एक मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, या आपका शरीर काफ़ी पतला है, आप फैट गेन करके बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आपको वर्कआउट करने का सही स्टेप पता होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारे टिप्स आपको यहाँ दिए जाएंगे। किस तरह से आपको अपनी बॉडी कैसे और किस लिए कहा क्या करना है ये हम आप बताएंगे। सबसे पहले, बॉडी बनाने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत होगी। आप चाहे तो आप घर पर ही बॉडी बना सकते हैं, पर इसके लिए आपको कई साल लग जाएंगे, तो आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए। जिम ज्वाइन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको हर महीने अपनी बॉडी के ऊपर कम से कम 4,000 से 5,000 रुपये खर्च करने होंगे, जिसमें आपकी जिम की फ़ीस, प्रोटीन और जूस का खर्च आएगा। और एक मेन बात, अच्छा जिम ज्वाइन करें। जिम ज्वाइन करने से पहले उस जिम की जानकारी निकाल लें। जो लोग पहले से वहाँ जिम कर रहे हो उनसे जिम के ट्रेनर की जानकारी ले लें। जिस जिम में जिम करने का ज़्यादा और अच्छा सामान हो उस जिम को ज्वाइन करें, इससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। अच्छे ट्रेनर के होने से आप जल्दी बॉडी बनाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि आपका ट्रेनर आपको बॉडी बिल्डिंग टिप्स बताएगा। ट्रेनिंग पार्टनर बनाएं। जिम ज्वाइनिंग करने के बाद उसकी जिम का एक ट्रेनर पार्टनर बना लें, इससे आपको वर्कआउट करने में मदद मिलेगी। अगर आप वर्कआउट के दौरान थक जाएंगे उससे आपको फिजिकल यानी शारीरिक सपोर्ट मिलेगा, आप देर तक एक्सरसाइज कर पाएंगे। और पानी पीने पर ध्यान दें, जिम करते समय पानी ना पिए। जब आप जिम कर ले उससे एक घंटे बाद पानी पिए। दिन में पानी पीते रहे, भरपूर मात्रा में पानी पीने से आपके शरीर के अंदर थकान जल्दी नहीं होती है। अच्छा डाइट ले। जिम ज्वाइन करने के बाद अपने ट्रेनर से अपनी डाइट प्लान पूछें, क्योंकि अपने ट्रेनर के बारे में जानकारी निकाली है वो आपको आपके शरीर के हिसाब से डाइट बताएंगे। उस डाइट को फॉलो करके जिम करें। ज़्यादा सप्लीमेंट ना खाएं। अंडा, मछली, जूस, दूध, सोयाबीन और प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करें। साथ ही में फल भी खाते रहे। जिम जाने से पहले कभी भी खाली पेट जिम ना जाए। जिम जाने से पहले 2 केले खाकर जाए, इससे आपके शरीर में एनर्जी की कमी महसूस नहीं होंगी, आप ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज कर सकेंगे। जिम में आने के बाद एकदम एक्सरसाइज को शुरू ना करें, पहले खाली हाथ पैर मूव करते शरीर को वार्म अप यानी गर्म करें। एक्सरसाइज का तरीका। जिम में जाने के बाद अपने ट्रेनर से एक्सरसाइज का तरीका पता करें। अगर आप सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हैं तो आप सिक्स पैक एब्स की एक्सरसाइज करें। बॉडी को वार्म अप करने के बाद सारी एक्सरसाइज अपने ट्रेनर से पूछकर सही तरीके से करें, क्योंकि गलत तरीके से किए गए किसी भी काम का से नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं। पूरी नींद लें।
जिम ज्वाइन करने के बाद आप अपनी नींद पर ध्यान दें, पूरी नींद ले, हमेशा सीधे सोए। सोते टाइम रात में होता है, किसी काम की वजह से आप अपनी नींद का टाइम ना बदलें। जो नींद रात में आती है वो दिन में नहीं आ सकती। रात में आराम से पूरी नींद लेकर फ्रेश माइंड से सुबह में जल्दी उठें। एक्सरसाइज हर पार्ट की अलग अलग आती है, जितने चाहे कितनी भी एक्सरसाइज होती है। चेस्ट, विंग्स, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, थाई, रिस्ट, एब्स, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। इतने तरीकों के एक्सरसाइज करने के बाद बनती है बॉडी। अगर आपके पास सिर्फ बाइसेप है, चेस्ट नहीं है, तो आप एक मस्कुलर बॉडी के मालिक नहीं कहलाएंगे। आपको हर तरह की एक्सरसाइज करनी है, डेली बदल कर वर्कआउट करें, वेट बढ़ाकर एक्सरसाइज करें। स्टार्टिंग लाइट वेट यानी हल्के वजन से वर्कआउट करें, कुछ दिन बाद वेट बढ़ाना शुरू कर दें। हर एक सेट लगाने के बाद वेट बढ़ा ले, ऐसा करने से आपके शरीर पर एकदम लोड नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएंगी। उसके बाद आप भारी वजन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, अधिक भारी वजन ना उठाएं, इससे आपके शरीर की मांसपेशियों में गलत खिंचाव भी आ सकता है। लॉयल रहे बॉडी के साथ, बॉडी बनानी है तो अपने शरीर के साथ लॉयल रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेली जिम जाना होगा। जिम की छुट्टी ना करें, संडे की छुट्टी में आप घर पर उतनी देर तक वर्कआउट कीजिए जितना जिम में करते हैं, उसके बाद आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। टाइमिंग, डेली जिम जाने की टाइमिंग बनाएं, रोज़ाना उसकी टाइम पर जिम जाए, जिससे आपको ट्रेनिंग पार्टनर की ज़रूरत या कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप सही समय पर जिम जाएंगे, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर जाए या शाम को जब ठंडा मौसम हो तब जाए, जिम जाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लिया करें ताकि आपको वीकनेस ना लगे। कॉफ़ी पीकर जाना बेहतर होगा। दालें आपको रोज़ खानी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत सारा प्रोटीन और पोषक तत्व होता है। दही, इसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स शुगर और घुलनशील प्रोटीन होता है, ये वर्कआउट करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। चॉकलेट, डार्क चॉकलेट बॉडी बनाने के लिए सबसे अच्छे पदार्थ माने जाते हैं। हफ्ते में एक बार डार्क चॉकलेट ज़रूर खानी चाहिए। अलसी, इन दानों में बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए और शारीरिक गतिविधि बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। बादाम, बॉडी बिल्डिंग के लिए बादाम बहुत अच्छे स्नैक्स माने जाते हैं। इसमें बहुत सारा अमीनो एसिड होता है जो कि मसल्स बनाने में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही आने वाली वीडियो मिलती रहे। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें।